मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट यानी भोपाल और भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर ने अपना नामांकन वापस लेते हुए चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। लेकिन ये बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर नहीं है बल्कि उन्हीं की हम नाम निर्दलीय प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर है। प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ना कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने बीजेपी प्रत्याशी साध्वी ठाकुर के कहने पर अब अपना नामांकन वापस ले लिया है और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। इससे बीजेपी को हालांकि बड़ी राहत मिली है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से साध्वी प्रज्ञा का हम नाम और निर्दलीय प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर चुनावी मैदान में थी, जिसके बाद भाजपा परेशान थी क्योंकि ये नाम प्रज्ञा ठाकुर से मिलता जुलता था, जिसके कारण साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को परेशानी हो सकती थी। एक ही नाम के चलते जनता भी भ्रमित हो सकती थी। और इसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने प्रज्ञा ठाकुर को अपने घर मिलने बुलाया, वहाँ चुनाव न लड़ने की अपील की, उनको स्वागत किया गया और इसके बाद जब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया तो उन्हें शॉल देकर भी सम्मानित किया गया।